रुपश्री एयरपोर्टावहाय कंग्रेसनि प्रियंका गांधी फैगोन दा बेखौ आङो जम फैदों नायनायनां माबायदि बेनि बडिफ्रा अफार्सफ्रा खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं अकेला ईमानदार हूं इस देश में, बाकी सारे भ्रष्ट है, ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ईमानदार प्रधानमंत्री कैसी स्कीम निकाल के लाए। स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। यह ईमानदारी की स्कीम थी इनकी कि उसका नाम गुप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, यह नाम गुप्त नहीं रहने चाहिए, नामों को खोलो, सबके सामने बात आनी चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया। अच्छा, जब यह हुआ तो
तो मोदी जी को अचानक लग गया कि पब्लिक को पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या दिया, कहां कहां से मैंने चंदा लिया है और कैसे। तो फिर कहने लगे कि अरे पहली बार इतिहास में ये सूची पारदर्शी हो गई है, जनता को दिख रही है, तुमने थोड़ी दिखाई। अरे मोदी जी ने खुद थोड़ी दिखाई, ये पारदर्शी कैसी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने बोला कि इसको पारदर्शी बनाओ। इससे पहले तो मोदी जी की स्कीम ये थी कि गुप्त रहेगा। अच्छा चलिए, सूची दिखी, सूची में आप सोचिए चंदा कैसे कैसे लिया गया। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाल दिया किसी बड़े व्यापारी पर, भयानक केस डाला, एजेंसियां डाल दी उसके पीछे, चंदा लिया, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था याद है आपको, बहुत लोग उसमें बह गए थे, जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया है मोदी जी को। कोविड की वैक्सीन सबको लगी, लगी ना, कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई, इनसे पहले कोई नेता ही नहीं रहा।